हेलो फ्रेंड्स। तो भाइयों, जिस जिसको लगता है अगर उसे वन पीस की स्टोरी पता पड़ जाएगी तो उसका वन पीस स्पॉइल आएगा, तो भाइयों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कैसे जो लूफी की शैडो होती है वो उसके शरीर से निकाल ली जाती है और ओजेड डीमन में डाल दी जाती है इसके इधर। और इधर क्या होता है, जो ब्रुक होता है, ब्रुक जो है रियूमा से हार जाता है। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो अब होता क्या है, जैसे ही सांजी को पता पड़ता है कि नामी की शादी होने वाली है एप्सिलॉन से, भाई सांजी एकदम पागल हो जाता है, एकदम गुस्से में आ जाता है। और इसके बाद जो उसोप होता है वो सबको नमक की थैलियाँ देता है, बोलता है कि जिस जिस जोम्बी को आप लोग हराओगे उसके मुंह में बस ये नमक डाल देना, उसकी सोल जो है आजाद हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है, लूफी लोग तैयार होते हैं और मेंशन की तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर जो होल्डन होता है वो उनकी बातें सुनता है और गिको मुरे के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि वो लोग हम लोगों पे क्या हमला करने वाले हैं। अब लूफी लोग हमला कर देते हैं। तो होता क्या है, जो गोस्ट वाली लड़की होती है वो सबके गोस्ट आर पार कर देती है, सबके नहीं बस किसके, जोरो और लूफी के गोस्ट आर पार हो जाता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एकदम से मिर्गी से बन जाते हैं, बोलते हैं हम पैदा क्यों हुए, हम बहुत बड़ा बोझ है दुनिया पे। पर क्या होता है, जो बाकी जो लूफी पार्ट्स होते हैं वो संभाल लेते हैं और इनकी जो लड़ाई होती है गलती से ओजेड मॉन्स्टर से हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, जो लूफी पायरेट्स होते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, जैसे कि सांजी, जोरो, उसोप और फ्रेंकी ओजेड मॉन्स्टर के पास होते हैं, और जो लूफी, निको रॉबिन और जो चॉपर होते हैं ये होते हैं किसके पास, हॉक बैग के पास। तो जो चॉपर होता है वो हॉक बैग से लड़ना चाह रहा होता है, पर जो हॉक बैग को बचाने के लिए वहाँ पे कौन, सांजी और जो जोरो की शेडो वाले मॉन्स्टर होते हैं वो उसे बैकअप, हॉक बैग को बैकअप देने के लिए आ जाते हैं। इधर क्या होता है, जो जो सांजी वगैरह जो होते हैं ओजेड मॉन्स्टर वैसे इनसे लड़ता नहीं, वहाँ से वो चला जाता है। तो होता क्या है, जो मेंशन और जहाँ पे जोरो लोग खड़े होते हैं वहाँ पे जाने के लिए क्या होता है, ब्रिज बना होता है। तो वो ब्रिज टूट दिया होता है किसने, फ्रेंकी ने। तो फ्रेंकी एक नया ब्रिज बनाता है और फ्रेंकी लोग पहुँच जाते हैं कहाँ पे, पेरोना के पास, वही लड़की जो क्या करती है, भूतों का यूज़ करती है। तो वो सबके भूत आर पार कर देती है, पर कौन, उसोप होता है भाई, उसोप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम मस्त होता है, क्योंकि उस पर भूतों का असर हो ही नहीं रहा होता है। और वो जितने भी क्या होता है, जो पेरोना के जो जू वाले मॉन्स्टर होते हैं वो उन सबके मुंह में नमक डाल देता है और सबको क्या करता है, आज़ाद कर देता है। अब दोस्तों क्या होता है, जो पेरोना होती है वो अपने सारे अटैक यूज़ कर लेती है, पर जो उसोप होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और इधर हमें बैटल दिखाई जाती है किसकी, रूमा और ब्रुक की। इन दोनों की बैटल कंटिन्यू चल रही होती है, ब्रुक की हालत ख़राब होती है और आखिरी मूव जब रियूमा यूज़ करता है उसमें जो ब्रुक होता है वो हार जाता है। और अब रियूमा ब्रुक को मारने वाला होता है, पर वहाँ पे उसे बचाने के लिए कौन, जोरो आ जाता है। और इधर जो एप्सिलॉन होता है वो नामी जो शादी अपनी कंप्लीट करने वाला ही होता है कि वहाँ पे सांजी पहुँच जाता है। अब जो पूरा मेंशन होता है वो हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ओजेड मॉन्स्टर है वो भी पता नहीं कहाँ से मैदान में आ जाता है, वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बीज होते हैं वहीं पे वो भी आ जाता है। और अब आपको मज़ा आएगा। अब क्या होता है दोस्तों, जो उसोप होता है उसने हालत ख़राब कर रखी होती है पेरोना के, क्योंकि पेरोना परेशान होती है कि मैं कौन सा मूव यूज़ करूँ, जो उसोप भाई जो डिप्रेशन में चला जाए, पर उसोप डिप्रेशन में जाता नहीं है और एक एक करके उसे साथी क्या करता है, उनकी जो शेडो होती है वो आज़ाद कर देता है। इधर जो सांजी होता है, सांजी भाई साहब पहले जो नामी को बचाता है और इसके बाद एप्सिलॉन में अच्छी खासे लाते देता है भाई साहब, कभी मुंह पे कभी छाती पे लात ही लात देता है। इधर जो ओजेड मॉन्स्टर होता है भाई वो पानी में कूदता है और जो पूरा मेंशन होता है उसमें बाढ़ सी आ जाती है, मतलब मेंशन के बाहर, और इसी तरीके से एपिसोड चलता रहता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो लूफी होता है वो पहुंच जाता है गिको मोरिया के पास और लूफी कहता है कि मुझसे तुम गिको मोरिया लड़ो, पर जो गिको मोरिया था बोलता है पहले तुम मेरी शेडो को हराओ। और भाई उसकी शेडो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि लूफी के पूरे छक्के छूट जाते हैं, तब भी वो उसकी शेडो कुछ उखाड़ नहीं पाता है। इधर जो सांजी होता है भाई वो एकदम गुस्से में आता है, कुछ ज़्यादा ही गुस्से में, उसके बाल एकदम उड़ना शुरू हो जाते हैं और एप्सिलॉन की वो अच्छी खासी मार लगा देता है। इसके बाद जो एप्सिलॉन होता है अब वो होता है सीरियस और भाई साहब अपने कपड़े उतारता है, अपनी बॉडी दिखाता है और सांजी में भी अच्छी खासी मार लगा देता है। इस दौरान जो क्या बोलते हैं नामी होती है वो बेहोश होती है, तो सांजी करता है नामी को उठाता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जो एप्सिलॉन होता है वो उसे रोक लेता है और सांजी में करता है मार भी लगा देता है। इसके बाद सांजी भी गुस्से में आता है, वो भी उल्टी मार लगा देता है। इधर जो उसोप होता है भाई वो परेशान होता है, क्योंकि जो पेरोना का जो वो देखा ना टेडी बेयर होता है वो उसोप की हालत ख़राब कर देता है। और पेरोना क्या करती है, फिर मेंशन से बाहर निकलती है और वो लड़की उड़ सकती है एक तरह से। तो अब यहीं पर एपिसोड खत्म होता है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना सावधान, गुड बाय।